तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के इस नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का प्रिपरेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो नंबर 19 है। इससे पहले हमने 18 वीडियो बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आखिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहली बात आपके जहन में अगर होगी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं, तो जरा देखिए, लिखा जाता है कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। यह है अल्काइल, यह है मैग्नीशियम और यह है हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। या ये तो एलिफैटिक है। अगर एरोमेटिक की बात करें तो कहा जाता है एराइल, फिर मैग्नीशियम, फिर हैलाइड। तो एराइल ग्रुप का मतलब ए आर और फिर एम जी एक्स। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अल्काइल की जगह आप मिथाइल ग्रुप रख सकते हैं, इथाइल ग्रुप रख सकते हैं और एराइल की जगह आप फिनाइल ग्रुप रख सकते हैं। फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग बनाइए और उससे एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। यह है फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड और यह है मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। फिनाइल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह है फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो कई तरीके से आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हमने एक ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, जाकर के आप देख लीजिएगा, उसमें फुल डिटेल नॉलेज है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वीओ केमिस्ट्री आप सर्च करिएगा, आ जाएगा। तो चलिए इनको मिटाते हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इतनी बात आपको मालूम हो गई है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए ना कुछ करना नहीं है आपको। एराइल मैग्नीशियम हैलाइड या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, देखिए प्रिपरेशन करा देते हैं। एराइल या अल्काइल हैलाइड से जैसे ही आप मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो आपको एराइल या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसको विक्टर ग्रिग्नार्ड ने सन 1801 ईस्वी में बनाया था। आप डाटा थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको मिटाते हैं। ये आपका टोटल सिनेरियो हो गया। अब सवाल ये है कि अल्कोहल का प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे होता है। क्या केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराते हैं। अल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्डिहाइड में आप सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड से शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी, उसका भी चर्चा करेंगे, कीटोन की भी चर्चा करेंगे, कार्बोनिल हैलाइड की भी चर्चा करेंगे और सबके मैकेनिज्म भी देखेंगे। देखिए अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन आप कराने जा रहे हैं, तो देखिए अगर आप रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ कराने जाएंगे तो यह है आपका फॉर्मल्डिहाइड। नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां रखेंगे और दूसरी बार में, अच्छा यहां ड्राई ईथर एक सॉल्वेंट रख लेंगे विलायक, और दूसरी बार में अगर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, वाटर का एक्सेस होना चाहिए, उसमें वाटर ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, तो हाइड्रोलिसिस अगर करा लेते हैं तो आपको मिलेगा HCOH, फिर ये R और ये फिर H, और आपको मिलेगा क्या? प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। ये अल्काइल ग्रुप यहां आके जुड़ता है, H2O में H+ OH- मौजूद होता है, ये H
यहां आके जुड़ता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और जनरल बात कर रहे हैं ट्रिक के हिसाब से, लेकिन अभी मैकेनिज्म की भी चर्चा करेंगे, तो आपका ये प्राइमरी अल्कोहल तैयार हो जाता है। अब जरा देखिए, इन जनरल इसमें कार्बन एटम एक है, इसमें कार्बन एटम अल्काइल ग्रुप और कार्बन दो हो गए, तो इसलिए इस प्रोसेस में हमेशा कार्बन एटम की संख्या बढ़ती भी है। तो पुनः इसकी अब चर्चा मैकेनिज्म के साथ करते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई दूसरे अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देखना चाहता है तो CH3C डबल बॉन्ड O और ये H यानी एसिटाल्डिहाइड हो गया, और एसिटाल्डिहाइड में पुनः अगर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्शन करा दिया जाए, है ना, और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस H प्लस OH माइनस के फॉर्म में, और फिर ये H प्लस करा दिया जाए, तो फिर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये आपका मिलेगा CH3CrOH और ये फिर H। क्लियर है? इसमें देखिए दो ही कार्बन एटम दिख रहे हैं, और इसमें देखिए एक दो और अल्काइल ग्रुप का एक तीन, तो इसमें कार्बन एटम की संख्या बढ़ती है। अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, और ध्यान से कॉपी पेन निकाल करके बैठे होंगे आप, हमें उम्मीद है, ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। चलिए इसको मिटाते हैं और मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया, तो हमारा हेडिंग तो है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराने के बाद जब अल्कोहल नहीं बनता है तो हाइड्रोलिसिस भी कराना पड़ता है, यानी जल का अपघटन भी कराना पड़ता है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि की। सबसे पहले हम लोग फॉर्मल्डिहाइड यहां लिखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर आप रिएक्शन समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या रखा था, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड रखा था, किसकी उपस्थिति में जी, ड्राई इथर सॉल्वेंट की उपस्थिति में। यहां चेक करिए, अल्काइल और मैग्नीशियम में अल्काइल ग्रुप में कार्बन मौजूद होता है और मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप का कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, तो जब खींचता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, पाई इलेक्ट्रॉन काफी लूज होते हैं, काफी कमजोर होते हैं, तो ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन को भी, इस पाई इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचता है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ही अल्काइल ग्रुप देखता है कि भाई हमारे पास पार्शियल नेगेटिव है और यहां कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव है, एकदम आओ देखा नाता और अटैक करना शुरू। जैसे अटैक करता है तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन अपना तोड़ करके अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींच लेता है, और जब खींच लेता है तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बन जाता है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, और फिर यहां क्या है, यहां ध्यान से देखिए, यहां है आपका नेगेटिव चार्ज। अच्छा, उसके बाद आर यहां आकर के जुड़ता है, ठीक है, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन। अब ये देखिए, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, फिर ये आकर के यहां अटैक करता है, तो MgX दोनों एक साथ आता है, तो हम लिख देते हैं MgX। इतनी बात क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बार में हमने रिएजेंट क्या रखा था, हमने रिएजेंट रखा था वाटर का हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो H2O किसके रूप में, H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में टूटता है। तो देखिए जरा, H प्लस इस O माइनस की तरफ टकटकी लगा करके देखता है, और जैसे ही देखता है कि इसके ऊपर नेगेटिव है, हमारे पास पॉजिटिव है, जाकर के अपना काम कर लेता है। अपना काम करने के बाद यहां देखिए, यहां नेगेटिव तो यहां तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, तो OH माइनस आकर के मैग्नीशियम से अटैच हो जाता है। जैसे ही अटैच हो जाता है तो जरा देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, एच सी फिर ओ फिर एच, एच यहां आकर के जुड़ रहा है, मैग्नीशियम बाहर जा रहा है, तो उसके बाद क्या, यहां एच और ये फिर आर, और बाद में क्या बन रहा है, एम जी फिर ओ एच और फिर क्या, एक्स। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी, फिर बनता है मैग्नीशियम और फिर है आपका हैलाइड। क्लियर है? और ये आपका अगर थोड़ा सा सही तरीके से, सही ढंग से लिखे इस प्रोडक्ट को, तो हम लोग जैसे लड़के पाउडर अगर लगाते हैं सस्ते सस्ते हैं, वैसे ही हम थोड़ा लगा देते हैं,
इधर मस्का मार देते हैं, या हाइड्रोजन को इधर खींच देते हैं, हाइड्रोजन को इधर खींच देते हैं, सी एच टू हो जाएगा, तो आपका वो रिएजेंट हो जाएगा सी एच टू आर सी एच टू और ऊपर है ओ एच तो ओ एच। अब देखिए ये कार्बन खुद को छोड़कर मात्र एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है यानी प्राइमरी है, और प्राइमरी कार्बन से ओएच ग्रुप जुड़ा है मतलब ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। बात क्लियर हुई? अब आप देखिए यहां एक ही कार्बन था, यहां एक ये कार्बन और अल्काइल ग्रुप का एक कार्बन, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो अल्डिहाइड के साथ, नोट लिखिए, अल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर कराया जाए तो जो अल्कोहल प्राप्त होता है उसमें अल्डिहाइड से एक अधिक कार्बन एटम वाला अल्कोहल प्राप्त होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात ये कि आप जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और जब अल्काइल ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो इस फॉर्मल्डिहाइड में, नाम क्या है इसका, फॉर्मल्डिहाइड, तो इस फॉर्मल्डिहाइड या इसी को कहते हैं मिथेनल, क्योंकि अल्डिहाइड है तो एक कार्बन है तो मिथेन और अल्डिहाइड है तो प्रीफिक्स अल, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अल्काइल ग्रुप क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है जी, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ये अल्काइल ग्रुप चूंकि न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल आकर के इस सबस्ट्रेट में ऐड हो रहा है इसलिए इस प्रोसेस को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस में वाटर ऐड हो रहा है, देखिए H प्लस यहां ऐड हो रहा है, OH यहां ऐड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को एडिशन ऑफ वाटर, चूंकि डायरेक्ट तो ऐड नहीं हो रहा है तो हम लोग एडिशन ऑफ वाटर नहीं कर सकते, हम लोग इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोलाइज यानी हाइड्रोलाइज्ड होकर के और ये फिर H प्लस OH माइनस के रूप में टूट रहा है, कौन, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, उसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं, टूटता है तो उस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो आपका ये फॉर्मल्डिहाइड से हमने अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया, या R के पास यानी कि अल्काइल ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आकर के यहां अटैक किया तो ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेकर के चला गया क्योंकि ये कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था, यहां 2, 3, 4 और ये आता तो 5 हो जाता, इलेक्ट्रॉन को लेकर के गया, यहां नेगेटिव चार्ज बनाया, मैग्नीशियम देखा कि भाई यहां हमारे पास पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, मैग्नीशियम आकर के ऐड हो गया। अब देखिए उसके बाद हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया जिसमें वाटर ज्यादा होता है एसिड कम होता है तो इसलिए H2O यानी H प्लस OH माइनस के रूप में टूटता है, और H प्लस देखता है कि भाई यहां नेगेटिव चार्ज है हमारा हिसाब किताब वहां हो जाएगा तो माइनस प्लस के साथ जुड़ेगा, और फिर यहां प्लस चार्ज है तो यहां माइनस वाला प्लस के साथ जाकर के जुड़ जाता है तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है H तो H, R तो R, C तो C, H तो H, O तो O और H आकर के जुड़ जाता है तो H, फिर Mg, फिर OH, X मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ये कौन सा अल्कोहल है, आपका प्राइमरी अल्कोहल है। और इसी तरीके से हम जितने अल्डिहाइड के प्रिपरेशन है उन सबका अल्डिहाइड से हम अल्कोहल का प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो सबका काफी आसानी से मैकेनिज्म के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर कोई कहे ये तो आप पहले लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात कि ये अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल मतलब मिथाइल ग्रुप जितने होते हैं न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, जितने कार्बन आयन होते हैं, एक लाइन में बोलो जितने कार्बन आयन होते हैं वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अच्छा, और यहां दूसरी बात हमने बोल दिया है कि इसमें कार्बन एटम की संख्या क्या है, बढ़ती है, कार्बन एटम की संख्या बढ़ती है, कैसे बढ़ती है जरा देखिए, पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद बताते हैं। लिख लिया आपने, बोलिए लिख लिया, चलिए देखिएगा अब ये दूसरा मैकेनिज्म है और दूसरा रिएक्शन है, देखिए कैसे, आर हाइड्रोजन की जगह अगर हम CH3 रख दें, क्या रख दें, CH3 रख दें तो ये फॉर्मल्डिहाइड से अब एसिटल्डिहाइड हो जाएगा यानी मेथेनल से एथेनल हो जाएगा, ये हो गया आपका एसिटल डिहाइड या इसी को
इथेनॉल कहा जाएगा, ठीक है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में अगर यहां मिथाइल ग्रुप हमने रख दिया, यहां मिथाइल ग्रुप आकर के जुड़ेगा, तो R की जगह हम क्या किए, मिथाइल ग्रुप रख लिए, ठीक। सारा प्रोसेस तो सेम है, यहां R की जगह हम क्या किए, मिथाइल ग्रुप रख लिए, क्लियर है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, फिर R की जगह हम यहां पाउडर लिपस्टिक वाला जो है यहां क्या करेंगे, CH3, R की जगह फिर CH3 रख लेंगे, ठीक है। तो CH3 CH2OH यहां चेक करिए आपके पास कितने, आपके पास एक और एक दो कार्बन एटम वाला अल्कोहल है, एक और एक दो कार्बन एटम वाला अल्कोहल है, और यहां चेक करिए अगर CH3 यहां जोड़े हैं तो CH3 यहां भी तो जोड़ना है ना, तो ये ठीक है। पहले तो आपके पास दो कार्बन एटम वाला अल्डिहाइड था, एसिटाल्डिहाइड अल्डिहाइड था, अब आपने सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया, फिर हाइड्रोलिसिस कराया, तो आपको जो प्रोडक्ट मिला ये आपको मिला 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी, कौन सा मिला भाई साहब, आपको मिला ये CH3 और ये OH, ठीक है। तो अब आपको कौन सा अल्कोहल मिला, 2 डिग्री अल्कोहल मिला, ये देखिए CH3 CH3 CH CH CH3 CH3 OH OH, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया आपको। मतलब साफ है कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड रखेंगे, कौन सा, एक कार्बन एटम वाला अल्डिहाइड रखेंगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, क्लियर। और अगर आप दो कार्बन एटम वाला, मतलब एसिटाल्डिहाइड प्रोपेनल डिहाइड, मतलब कि एथेनल प्रोपेनल रखेंगे, एसिटाल्डिहाइड रखेंगे या प्रोपेनल रखेंगे, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा, क्लियर है। एक लाइन में फिर से बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है जबकि अन्य दूसरे अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, बात क्लियर है। तो आप माजरा पूरा समझ गए होंगे, चलिए आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग, ये दूसरा है, आप लिख लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये CH3 यहां कर जुड़ा है, CH3 पहले से CH3 यहां था, CH3 यहां था, CH3 यहां करके जुड़ा है, तो ये अब पहले तो अल्काइल ग्रुप था, अब ये मिथाइल कार्ब एनायन हो गया जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ता है, इसलिए इसको ऐड हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। और ये फिर हाइड्रोलिसिस है, आपने प्रोडक्ट जो बनाया वो अब 2 डिग्री अल्कोहल का बना। तो इसको लिखिए, फिर हम दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग कीटोन से अल्कोहल का प्रिपरेशन देखते हैं, कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, फिर आपका अल्कोहल प्राप्त होगा। और कौन सा अल्कोहल प्राप्त होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आप में से कोई बोर्ड का स्टूडेंट हो तो बोर्ड के लिए हम एक लैंग्वेज बोलते हैं, आप सबसे पहले ऊपर लिखिएगा कि जब कार्बोनिल कंपाउंड जैसे अल्डिहाइड या कीटोन या एसिड हैलाइड या कार्बोक्साइलिक एसिड सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो एक एडिशनल न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल प्रोडक्ट का निर्माण होता है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराने के बाद अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, दूसरे अल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, और कीटोन हमेशा टर्शियरी अल्कोहल देता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम कीटोन से रिएक्शन कराते हैं, किससे, कीटोन से। तो जरा ध्यान दीजिए, ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये है आर, यानी कीटोन, ये कार्बोनिल ग्रुप है जिससे दो अल्काइल ग्रुप जोड़ दे तो कीटोन बन गया। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्शन करा दीजिए, और दूसरी बार में आप H2O और फिर एसिड ले लीजिए। रिएक्शन कराने जाइएगा, आपको क्या मिलेगा जरा देखिए, आपको मिलेगा R C R फिर R और ये फिर OH, मतलब आपको मिलेगा टर्शियरी अल्कोहल, और साथ में मिलेगा आपको MgOHX, क्लियर है। अब ये बना कैसे, सवाल ये है, तो देखिए अल्काइल ग्रुप आकर के यहां जुड़ता है तो 3 अल्काइल ग्रुप हो गए, ऑक्सीजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक देता है, मतलब कि अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ खींच लेता है, तो ये H+OH- के फॉर्म में मौजूद रहता है, H+ आकर के यहां जुड़ जाता है, OH- मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है, चूंकि पार्शियल नेगेटिव यहां पार्शियल पॉजिटिव है, और यहां भी पार्शियल पॉजिटिव यहां पार्शियल नेगेटिव है, तो ये खेल होता है,
पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ देखता है और दोनों आपस में जुड़ते हैं। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ओ माइनस का निर्माण होता है, माइनस जाकर के इस प्लस के साथ जुड़ जाता है और फिर ओ एच माइनस मैग्नीशियम के साथ बाहर निकलता है, MgOH एक्स का निर्माण होता है। तो आपका ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल। आखिर ये बना कैसे, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा होगा, जनरल रिएक्शन है, एनसीईआरटी ऐसे ही लिखता है, तो कैसे लिखिएगा आप। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं, चर्चा करते हैं मैकेनिज्म की, यहीं से शुरू कर देते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, मैकेनिज्म। क्लियर, देखिए जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आप कीटोन रखते हैं, इसका नाम क्या है, कीटोन। तो अगर आप कीटोन रखते हैं तो कीटोन में अगर सबसे पहले अगर आपने एसीटोन रख लिया, इसका नाम क्या होता है, एसीटोन, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है प्रोपेन टू ऑल ऑन, ठीक है। अब देखिए पहले आपने किससे रिएक्शन कराया, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से। हम अल्काइल मैग्नीशियम की, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की जगह हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड लिखेंगे, ठीक है। अल्काइल की जगह मिथाइल रख लिया हमने। अब जरा ध्यान दीजिए कि मिथाइल ग्रुप में कार्बन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो ज्यादा होता है मैग्नीशियम से। तो अब क्या करता है, अल्काइल ग्रुप का मतलब मिथाइल ग्रुप का कार्बन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड मौजूद है तो, और ऑक्सीजन एटम यहां मौजूद है, तो ऑक्सीजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ खींचता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। जैसे ही देखता है भाई कि ये पार्शियल पॉजिटिव आया है तो नेगेटिव वाला जाके अटैक मारता है, और नेगेटिव वाला क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जैसे देखता भाई कार्बन के पास तो ये CH3 आके जुड़ गया, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को पुनः ऊपर खींच लेता है, और खींच लेता है तो आपका प्रोडक्ट बनता है CH3CO-, और फिर आपके पास ये नीचे है CH3 और इधर भी है CH3। जैसे मैग्नीशियम देखता भाई इधर नेगेटिव चार्ज आया है तो ये आ करके और इधर जुड़ जाता है, तो मैग्नीशियम और हैलाइड दोनों आपस में आके जुड़ जाते हैं एक साथ। अब ये सॉल्वेंट यहां आपको जरूर एक रखना पड़ेगा जिसको हम लोग ड्राई इथर कहते हैं, क्या, ड्राई इथर, यहां आप ड्राई इथर रख लीजिएगा। अब दूसरी बार में आप क्या करिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराइए, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराइएगा तो वाटर की एक्सेस होगी, वहां वाटर की एक्सेस होगी, फिर एच प्लस ओ एच माइनस के रूप में टूटेगा। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद जरा फिर से ये देखिए, H प्लस जैसे ही बनता है देखता है भाई नेगेटिव वाला एकदम तैयार है रिएक्शन करने के लिए, H प्लस O माइनस के पास चला जाता है। जैसे ही O माइनस H प्लस से रिएक्शन कर लेता है, मैग्नीशियम के बॉन्ड को तोड़ देता है, यहाँ के बॉन्ड को तोड़ता है, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मैग्नीशियम को बाहर भेजता है, तो बाहर भेजता है तो फिर आपका OH माइनस यहाँ आकर अटैक करता है। अब आपका प्रोडक्ट क्या बनता है जरा ध्यान से देखिएगा, नीचे की तरफ लिख देते CH3, ठीक है, C नीचे CH3, फिर इधर गए तो CH3, ऊपर गए O, फिर आया H प्लस तो H। देखिए कार्बन कैसा, टर्शियरी, OH उसी से जुड़ा है, तो कौन सा अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल और 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन, और फिर 2 नंबर पर OH है तो 1, 2, 3, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। इसके बाद क्या बनता है, Mg फिर OH और फिर X। हैलोजन यहां आप ज्यादातर केसेस में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रखिएगा, फ्लोरीन वायलेंट रिएक्शन देता है भाई, उसको मत रखिएगा, भड़काने वाला काम कर देता है। तो ये है आपका कीटोन का मैकेनिज्म। आपने क्या देखा, इसमें 3 कार्बन एटम थे, एसीटोन में, कीटोन में कितने कार्बन, 3, यहां देखिए 4 कार्बन एटम है, मतलब इस प्रोसेस में कार्बनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रेजेंट के रिएक्शन के प्रोसेस में हमेशा कार्बन एटम की बढ़ोतरी होती है, सबस्ट्रेट से कार्बन एटम की बढ़ोतरी होती है, किसमें, प्रोडक्ट में।
फिर से यहां मिथाइल ग्रुप क्या है, यहां मिथाइल ग्रुप क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। अच्छा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात क्लियर हो गई होगी। अब ये आपका कीटोन था, आप कीटोन कोई भी रखो आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। तो याद रखिएगा, टर्शियरी अल्कोहल से हमेशा कीटोन से, कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन और उसके बाद हाइड्रोलिसिस से हमेशा टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग अब एक कार्बोनिल, मतलब कि अल्केनॉइल क्लोराइड का एक रिएक्शन लेते हैं और उसके बाद फॉर्मिक एसिड का, तो उसको बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से अल्कोहल बनाना सीखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम लोग फॉर्मिक एसिड लेते हैं और उसके डेरिवेटिव जैसे एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड इत्यादि होते हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा थोड़ा रिएक्शन देख लेंगे मैकेनिज्म के साथ। मैकेनिज्म तो छोड़ेंगे नहीं क्योंकि जे और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर फॉर्मिक एसिड आप लेते हैं, किसके साथ, फॉर्मिक एसिड के साथ, ये किसके साथ रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन विथ फॉर्मिक एसिड, रिएक्शन विथ फॉर्मिक एसिड। तो जरा ध्यान दीजिए, पहली बात वहीं से शुरू कर देते हैं, ये है रिएक्शन विथ फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करने जाइएगा तो सबसे पहले ना आपको रिडक्शन कराना पड़ेगा और रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और उसके बाद आपका जो अल्डिहाइड प्राप्त होगा, अब अल्डिहाइड का अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन कराइएगा, पुनः हाइड्रोलिसिस कराइएगा, तब आपका अल्कोहल तैयार होगा। ऐसे जाके रिएक्शन होती है। तो अगर आप फॉर्मिक एसिड के साथ या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले आपको रिडक्शन कराना पड़ेगा, फिर अल्डिहाइड में चेंज होगा और उसके बाद आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो हेडिंग दीजिएगा, रिएक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये तो आपने लिख लिया होगा, ये डाटाबेस है, ये बहुत काम करता है। मैकेनिज्म थोड़ा लंबा हो सकता है तो धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको रिडक्शन करा के अल्डिहाइड में चेंज कराना है। तो देखिए, अगर आपने सबसे पहले फॉर्मिक एसिड लिया, फॉर्मिक एसिड क्या लिया, फॉर्मिक एसिड नाम है फॉर्मिक एसिड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अल्डिहाइड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मिक एसिड से डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता नहीं है। तो आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना पड़ेगा जो H माइनस शिफ्ट करता है, आपको हमने बताया भी था पिछले वीडियो में, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जो Li प्लस और AlH4 माइनस के रूप में टूटता है। पुनः यह AlH4 माइनस यानी एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्यूमिनियम यानी कि ट्राईहाइड्राइड के रूप में टूटता है और फिर H माइनस के रूप में, तो यही H माइनस यहां हम लिख रहे हैं, क्लियर है। तो इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऊपर लिख लीजिएगा इस चीज को, इसको मिटाते हैं। देखिए, मैकेनिज्म बहुत आसान है, बस ना केवल देखते रहना है कि कहां से क्या आ रहा है और कहां क्या जा रहा है। देखिए जरा, यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन तोड़ करके ऊपर खींच लेता है, यहां पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है, जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है यह हाइड्राइड आयन यहां से आकर के जुड़ता है, तो ये हाइड्रोजन फिर सी, ये ऑक्सीजन फिर नेगेटिव चार्ज और ये फिर ये OH और फिर नीचे H बन जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही प्रोसेस हम लिख रहे हैं पिछली वीडियो का। अब देखिए, H प्लस
जैसे ही देखता है कि यहाँ भाई OH माइनस एक बेहतर लिविंग ग्रुप है, तो बेहतर लिविंग ग्रुप तो है, क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने लेके जाएगा? जाएगा। कैसे जाएगा? देखिए, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींचता है, यहाँ OH माइनस का निर्माण करता है। तो जैसे ही OH माइनस का निर्माण होता है, H प्लस टकटक लगा करके देखता है, H प्लस OH माइनस आपस में जुड़ता है और H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, जरा देखिए, हाइड्रोजन, फिर आपका मिला कार्बन और फिर ऊपर की तरफ है ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तब कार्बन की वैलेंसी देखिए 1, 2, 3 हो जाती है। तो ये अपना ऑक्सीजन जो पाई इलेक्ट्रॉन लेकर के रखा है पुनः वापस दे देता है, कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेता है और फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, इधर की तरफ दिखा देते हैं, नीचे की तरफ है तो नीचे भी आप दिखा सकते हैं ऐसे, लेकिन इसी बॉन्ड को हम अगर इधर दिखा दे तो थोड़ा जगह भी बच जाएगा, सुंदर दिख भी रहा है, क्लियर है। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। अब बताइए, फॉर्मल्डिहाइड से हम लोग अभी अभी मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराए हैं कि नहीं कराए हैं? बिल्कुल कराए हैं। तो देखिए, पुनः फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद अब यहां क्या करिए, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड रख लीजिए, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए जरा, मिथाइल ग्रुप में का जो कार्बन है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इधर पार्शियल नेगेटिव इधर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इधर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपस में जुड़ता है तो HCO- और फिर Mg फिर X, ये प्लस वाला आकर के यहाँ जुड़ता है, नीचे क्या जुड़ रहा है CH3, ये CH3, अच्छा ठीक है, ऐसे बना देते हैं थोड़ा डायरेक्ट दिखे, ऐसे दिखेगा तो सही दिखेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन। अब इसका क्या कराना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप कराइएगा तो फिर H प्लस OH माइनस के रूप में तोड़ लीजिए, H प्लस OH माइनस के रूप में तोड़िएगा तो आपके पास फिर H प्लस यहाँ ऑक्सीजन एटम के पास, OH माइनस मैग्नीशियम के पास, आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, HCO फिर H और फिर ये CH3 और ये फिर आपका बन गया H, और नीचे बना देते हैं MgOHX, क्लियर हुई बात, बोलिए। तो आपने पुनः देखा कि अगर आप फॉर्मिक एसिड से अल्कोहल बनाने की बात सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मिक एसिड से आपको अल्डिहाइड बनाना पड़ेगा और फिर अल्डिहाइड से आपको अल्कोहल बनाना पड़ेगा। फॉर्मिक एसिड से अल्डिहाइड रिडक्शन प्रोसेस द्वारा बना लीजिए और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लीजिए और पुनः उस फॉर्मल्डिहाइड का या अल्डिहाइड जो भी हो, तो अल्डिहाइड का आप क्या करिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ड्राई इथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा लीजिए और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करा लीजिए। इस प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इतनी बात तो समझ आ ही गया होगा, तो एक नोट और लिखिए, क्या लिखिएगा, फॉर्मिक एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मल्डिहाइड में चेंज करना पड़ेगा और फिर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फिर हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। तो फॉर्मिक एसिड से आपका प्राइमरी अल्कोहल तैयार होता है, कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड से कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, और अन्य जितने फॉर्मिक एसिड के एस्टर भी होते हैं वे भी प्राइमरी अल्कोहल ही देते हैं। तो फॉर्मिक एसिड का एस्टर का अब रिएक्शन थोड़ा देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो ही रहा है, फिर भी चलिए इसको लिख लीजिए आप और फिर हम उसको बताते हैं, मिटा दें। चलिए, फॉर्मिक एसिड का एस्टर मिथाइल फॉर्मेट रख लेते हैं सबसे पहले, या इथाइल फॉर्मेट, कुछ भी आप रख ले और फिर हम लोग काफी आसानी से रिएक्शन करा लेंगे। देखिए जरा, फॉर्मिक एसिड, एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड, यानी एस्टर ऑफ फॉर्मिक
एसिड, क्लियर है। एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड जैसे एच सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ये ओ, ये सी एस, फिर ये मिथाइल, ये फॉर्मेट, नाम क्या है, मिथाइल फॉर्मेट। एकदम फास्ट थोड़ा चलेंगे इसमें, देखते रहिए। मिथाइल फॉर्मेट होता क्या है, जरा ध्यान से देखिए। मिथाइल फॉर्मेट का रिडक्शन सबसे पहले कराएंगे तब अल्डिहाइड में चेंज होगा, तो क्या करेंगे देखिए जरा। आपके पास अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो तो ये एच माइनस रिलीज करता है, यहां का कार्बन का नेगेटिव, सॉरी यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, क्यों, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, एच माइनस आकर के यहां जुड़ता है, बनेगा क्या, एच सी ओ नेगेटिव, यह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, अच्छा नेगेटिव, फिर यह बन गया ओ सी एस थ्री, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या एच। अब देखिए जरा, अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लें तो एसिड के प्रेजेंस में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है, मतलब मिथॉक्सी ग्रुप जो है, ये ज्यादा एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, बेहतर न्यूक्लियोफाइल है। जैसे OH एक न्यूक्लियोफाइल था, उसी तरीके से अल्कोक्सी यानी मिथॉक्सी ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये H प्लस टकटक ले आकर देखता है, देखता है तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, सी एच थ्री और ओ एच, क्लियर हुआ। अब जरा देखिए, अब आपका सी क्या बन गया, ये एच, फिर सी, फिर ये है ओ माइनस, और फिर आपका हो गया ये एच। अब जरा देखिए, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन इधर लेकर के चला आता है, तो यहां से नेगेटिव चार्ज खत्म, ये डबल बॉन्ड आ जाता है, फिर आपका क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। और फिर से फॉर्मल्डिहाइड इस हाइड्रोजन को इधर लिख देते हैं, तो ये आपका फिर से बन गया फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड का पुनः ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराइए, तो फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराइएगा, यानी मिथाइल मैग्नीशियम हाइलाइड से रिएक्शन कराइए, मिथाइल ग्रुप को यहां ले आकर के जोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो फिर आपका बन गया एच सी ओ, फिर ऑक्सीजन यानी ओ, फिर एम जी, फिर एक्स, फिर ये आपका बन गया सी एस थ्री, ये आपका बन गया एच। पुनः इसका हाइड्रोलिसिस करा लीजिए, एच प्लस ओ एच माइनस डायरेक्ट रख लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अच्छा, एच प्लस यहां गया, ये नेगेटिव है, तो और ओ एच माइनस यहां गया, तो आपका बन गया प्रोडक्ट एच सी ओ एच, फिर ये सी एस थ्री, और ये फिर एच, और उसके बाद बना एम जी, फिर ओ एच, फिर एक्स, क्लियर है। तो ये सी एस थ्री सी एस टू ओ एच हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी एस थ्री, फिर सी एस टू, और ये फिर ओ एच, आपका बन गया इथेनॉल जो प्राइमरी अल्कोहल है। तो हमने अभी बोला भी था कि फॉर्मिक एसिड का अगर आप एस्टर भी लेते हैं तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, बात क्लियर हुई। इसी तरीके से हम एक रिएक्शन देते हैं, आपके पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये फिर सी एल, जैसे अल्कोक्सी ग्रुप मतलब मिथॉक्सी ग्रुप एक ये क्या है, ये एक लिविंग ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, बेहतर लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप, एक लिविंग ग्रुप है जो सबस्ट्रेट से का मतलब रिएक्शन में सबस्ट्रेट से बाहर निकलता है। उसी तरीके से क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसका हम सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा लेंगे, ठीक है, पहली बार। दूसरी बार में आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा, तीसरी बार में अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दीजिएगा, चौथी बार में फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा। इसको आपको बनाना है और बताना है कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्लियर हुई बात। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो चलिए, अब आपके लिए दो सवाल है और दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक है आपके पास एसिटाल्डिहाइड और दूसरा फिर से एसिटाल्डिहाइड। पहले में पी एच एम जी एक्स हमने रखा यानी फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, और दूसरे में मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। एक में एच टू रखा हमने एच प्लस यानी एसिड के प्रेजेंस में, यहाँ हमने एन एच फोर सी एल रखा है। अब ये रिएक्शन कैसे देगा, ये रिएक्शन कैसे देगा। अब थोड़ा देर आप वीडियो को पॉज करिए और फिर बनाना शुरू करिए, और उसके बाद हम आपको बनाना बताते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा। चलिए पॉज करिए और फिर बनाइए, बनाइए, हो गया। चलिए देखते हैं।
आपने कैसे बनाया, मिलाते रहिए। ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ये PHMGX, पहली बार में फिनाइल के पास नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव। अब जरा ध्यान दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव के पास आएगा CH3CO, अच्छा ये अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींच लिया है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नीचे जुड़ा क्या पीएच, पीएच का मतलब क्या है, ये फिनाइल ग्रुप, समझ आ रही है, बोलिए। अब देखिए इधर है हाइड्रोजन, अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लीजिए, तो एच प्लस फिर OH माइनस किसके प्रेजेंस में, एच प्लस यानी एसिड के प्रेजेंस में। अब जरा ध्यान दीजिए, एच प्लस कहां जुड़ेगा, इधर, OH माइनस, OH, अच्छा एक चीज तो छोड़ दिए, अब MgX तो यहां छोड़ दिए हैं, तो MgX यही आके जुड़ता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां मौजूद है। अच्छा एच प्लस आकर के कहां जुड़ता है, नेगेटिव चार्ज के पास, तो आपका बन गया CH3 C, फिर ओ, फिर आपका एच, और फिर ये एच, और ये फिर फिनाइल ग्रुप। बात क्लियर है, नाम क्या होगा, नाम होगा 1-phenyl-ethane-1-ol, ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 1-phenyl-ethane-1-ol, क्लियर हुआ। अब इसका क्या होगा देखिए जरा, अच्छा ये कैसा अल्कोहल है भाई, देखिए ये कार्बन जो है खुद को छोड़ करके दो कार्बन एटम से जुड़ा है, यहां एक, यहां एक, तो से 2 degree अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, 2 degree। अब जरा ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो सबसे पहले आप क्या करिए, CH3 MgX यानी मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्शन करिए, डायरेक्ट आप शुरू करते हैं, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये आकर के यहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा, तो आपका बन जाएगा CH3CO नेगेटिव, और फिर ये MgX, फिर ये बन गया आपका CH3, और उसके बाद क्या बन गया, ये H। इसके बाद आपको क्या करना है, NH4Cl से रिएक्शन कराना है। तो देखिए NH4Cl जो है ये सबसे पहले NH4 प्लस और फिर Cl माइनस के रूप में टूटता है, फिर जो NH4 प्लस है ये H प्लस और उसके बाद NH3 के रूप में टूटता है, तो H प्लस जो यहां से मिलता है ये यहां चला जाता है, क्लियर भाई, इसमें वाटर ऐड होता है, इसमें भी वाटर ऐड होता है, तो आप ऐसे तो H प्लस डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या करिए, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl को वाटर के साथ ऐड करिए, किसके साथ, वाटर के साथ, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं NH4Cl या H2O और फिर उसके बाद क्या, NH4Cl। तो अगर केवल H प्लस लेकर के जाइएगा तो एक बात बताइए MgX कहां जाएगा, तो इसलिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते, हमने इसको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते थे। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हटाते हैं इसको और फिर दिखाते हैं, तो अब H2O जो है H प्लस OH माइनस के रूप में टूटेगा, H प्लस कहां जाएगा, H प्लस ऑक्सीजन एटम के पास और OH माइनस Mg के पास, MgX के पास, तो आपका बन जाएगा CH3CO, फिर ये H, फिर ये CH3 और ये फिर H हाइड्रोजन। तो ये है आपका प्रोडक्ट, ये एक मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप यानी कि 2 degree अल्कोहल इससे प्राप्त हुआ, क्लियर है। तो आप इस चीज को यानी इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले रिएक्शन को तो आप समझ गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए और उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए और फिर वीडियो खत्म करेंगे। तो चलिए अब आपके लिए सवाल है, 1, 2, 3 और 4 सवाल है। ये है इथाइल ग्रुप 1, 2, 1, 2, ये इथाइल ग्रुप है, ये फॉर्मल्डिहाइड और ये आप इसको क्या कह सकते हैं, 5 carbon atom वाला साइक्लिक ग्रुप है, इसमें 4 carbon atom वाला साइक्लिक ग्रुप है, और फिर आपको हमने सबसे पहले साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम हैलाइड दिया है और यहाँ मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड दिया, यहाँ साइक्लोपेंटेन हमने सब्सटीट्यूएंट के फॉर्म में अल्काइल ग्रुप के रूप में रखा है
और फिर आपको रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाना है मैकेनिज्म के साथ। ये चार अगर मैं मतलब मैकेनिज्म पूरा करा लेते हैं, पीएच हमने फिनाइल ग्रुप यहाँ लिखा है, यहाँ NH4Cl रखा है जहाँ से H प्लस आप निकाल सकते हैं, और यहाँ भी NH4Cl रखा है जहाँ से H प्लस आप निकाल सकते हैं। तो इसका आप रिएक्शन कराइए, मैकेनिज्म कराइए। अगर आप ये सारी चीज़ें ये चार रिएक्शन करा लेते हैं तो आप समझिए कि जेई मेंस और एडवांस का सवाल आराम से बना सकते हैं। जो हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग इसी वीडियो का हमने अभी अभी देखा कि एक मतलब केवल चैप्टर के लिए लोग लगभग 250 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं, एक चैप्टर के लिए 250 रुपये। तो आप समझ सकते हो 16 चैप्टर है तो 3200 और फिर 16×5=80, यानी 4000 रुपये लगभग केवल केमिस्ट्री का कोर्स का केवल ले रहे हैं। हम तो आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बताइए कि इस चैनल पे फ्री में आपको बोर्ड और जेई और नीट का कॉन्टेंट प्रोवाइड हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।